हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश का सिलेबस बताने वाला हूँ ग्रेड टू का, है ना। जो आपका ग्रेड टू है, उस ग्रेड टू में आपके अंग्रेजी में क्या क्या पूछा जा रहा है वो हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका ग्रेड टू है, इसमें 30 नंबर का आपका पेपर बनेगा। 30 नंबर में सबसे पहले आपसे जो पूछा जाएगा वो क्या क्या पूछा जाएगा वो देख लीजिए। सबसे पहले आपका यहाँ पर लिखा हुआ है टू शॉर्ट पैसेज फॉलोड बाय शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। सबसे पहले दो शॉर्ट पैसेज पूछे जाएंगे, उसके बाद में आपसे पूछी जाएगी वोकेबुलरी। वोकेबुलरी में क्या क्या आ रहा है, ये लेवल 10th स्टैंडर्ड का आएगा, है ना। इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जैसे कि हु डाइज फॉर द कंट्री, हु लव्स अवर कंट्री, हु बिलीव्स इन गॉड, हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स, हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ द थिंग्स, द प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट, द प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर बरीड, मर्डर ऑफ अ किंग, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से सिखा दूंगा। एक ही बार आप पढ़ेंगे तो आपको ट्रिक से याद हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई भी वर्ड आपके पास में आया कि भैया लेट्रोफोबिया, तो ये मैं आपको कुछ इस तरीके से याद करा दूंगा कि फोबिया मतलब फियर होता है और लेट्रो लेटे रहो, लेटे रहो मतलब जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं कि भैया लेटे रहो, तुम खड़े मत हो बार बार, है ना, क्योंकि अपने को डर लगता है डॉक्टर साहब आज क्या करेंगे, तो लेटे रहो। तो ये होता है फियर ऑफ डॉक्टर। तो इस टाइप से हम लोग ट्रिक से याद करेंगे तो आपको ईजी वे में याद हो जाएगा। वन वर्ड्स के बाद में ऑपोजिट्स, ऑपोजिट मतलब जैसे कि रिनाउंड का ऑपोजिट क्या होता है, है ना, इस टाइप से। सिनोनिम्स आपसे पूछे जाएंगे, सिनोनिम मतलब जेनिथ का सिनोनिम क्या होता है, वर्बोज का सिनोनिम क्या होता है, फिलेंडरर का सिनोनिम क्या होता है, इस तरीके से। इसके बाद में आपसे फ्रेजेस और ईडियम प्रोवर्ब्स, ये सारी चीज़ें मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा बिल्कुल बेसिक से, मतलब कि ऑलरेडी मैंने सारी चीज़ें करवा रखी है, बस आपको पढ़ना शुरू करना है, ठीक है। इसके बाद आगे अगर बात करें तो आगे आपका जो है वो आएगा फंक्शनल ग्रामर। फंक्शनल ग्रामर में क्या क्या आएगा वो देख लीजिए एक बार। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा, एक तो आर्टिकल्स पूछे जाएंगे, मॉडल वर्ब्स, डिटर्मिनर्स, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, नरेशन, प्रीपोजिशन, टेंस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस और वॉइसेस। तो ये 10 चैप्टर आपके इसमें पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़े अगर अपन, तो इसमें आप देखेंगे राइटिंग। राइटिंग में आपसे क्या पूछा जाएगा, फैक्चुअल डिस्क्रिप्ट शन इन अबाउट 40 वर्ड्स और इवेंट एक इंसिडेंट एग्जाम्पल रिपोर्ट। रिपोर्ट आपसे पूछी जा सकती है इसमें, वैसे इस टाइप से पूछते नहीं है। इसके अलावा एक ऐसे और उसमें भी आपके क्वेश्चन बनेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है। तो ये आपका टोटल 60 मार्क्स का पेपर होता है। ये पूरा जो इंग्लिश का जो कोर्स है ये हमने कवर कर रखा है। आप अगर ग्रेड टू के लिए पढ़ना चाहें तो आप देखेंगे कि अपना जो ऐप है लेयर थ्री एजुकेशन, तो लेयर थ्री एजुकेशन के ऐप पर आपको पूरा जो कोर्स है ये वहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएगा, है ना। पूरा ऑलरेडी कंप्लीट कोर्स है, सारे जितना भी मैंने आपको कोर्स बताया है सारा आपको सिस्टमेटिक वहाँ पे मिल जाएगा। अभी अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो समय से तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। इसके अलावा चैनल पे आपके वीडियोस आते रहते हैं, लेकिन एक बार आप बेसिक से ज़रूर पढ़िए, ये आपको यहाँ भी काम आएगा आपके एग्ज़ाम क्लियर करने में, उसके बाद आपको बच्चों को पढ़ाने में भी काम आएगा, ठीक है। तो ये पूरा हमने कवर कर रखा है। और अगर आप में से किसी को अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, 9977651282, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये पूरा कोर्स हमने कंप्लीट कर रखा है तो आप इसे ज़रूर ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच।